नमस्कार दोस्तों, मैं पायल डायरी के पन्नों में आपका स्वागत करती हूँ। आपके सामने पेश कर रही हूँ एक कहानी, शीर्षक है माँ। घर के दरवाजे पर लगातार 3 से 4 बार घंटियाँ बजती ही अन्नू दौड़कर रसोई घर से दरवाज़ा खोलने पहुँची। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने देखा उसका 15 साल का बेटा राहुल खड़ा हुआ था। अन्नू ने दरवाज़ा खोलते ही राहुल से पूछा, अरे ऐसा क्या हो गया, इतनी घंटियाँ क्यों बजा रहे थे तुम राहुल? राहुल ने जवाब दिया, अरे मम्मा हटो यार, देख नहीं रही हो, फुटबॉल खेलते समय चोट लग गई है, बहुत दर्द हो रहा है, हटो सामने से। अनु ने फिक्र जताते हुए उसके पैरों की तरफ देखा तो उसे पता चला कि राहुल के पैर में खरोच आई हुई है। उन्हें पूछा, अरे राहुल बेटा ऐसा कैसे हो गया तुझे? राहुल ने फिर से गुस्से से जवाब दिया, मम्मा आप हटो, मुझे अंदर जाने दो, मेरे कमरे में मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ये कहकर राहुल ने अपना बैग वहीं पटक दिया और अंदर जाने लगा। अनु ने कहा, अरे तुम तो बहुत बहादुर बच्चे हो, इतनी छोटी सी तो खरोच है, शाम तक ठीक हो जाएगी, रुक ज़रा मैं अभी हाथ धोकर तुझे क्रीम लगा देती हूँ। फुटबॉल मैच के हारने का सारा गुस्सा राहुल ने अपनी माँ पर निकालते हुए कहा, अरे मम्मा आपको क्या पता दर्द क्या होता है, आप तो क्या दिन भर घर पर आराम से लेटी रहती हो। अनु को अपने ही बेटे से ये शब्द सुनकर ठेस पहुंची, लेकिन एक माँ अपने बच्चे को तकलीफ में देखकर किसी चीज़ के बारे में कैसे सोच सकती थी। जल्दी से एंटीसेप्टिक लेने चली गई। माँ बेटे की ये सारी बात राहुल के पिता शिखर ने सुन ली थी, लेकिन बीच में बोलना उन्होंने उचित नहीं समझा, इसलिए इंतज़ार किया। अनु ने राहुल की खरोच को साफ किया, उस पर क्रीम लगा दी और पट्टी बांध दी और अपना काम रसोई में जाकर फिर से करने लग गई। दूसरी तरफ राहुल अपने कमरे में आराम से बैठकर ईयरफोन लगाकर गाने सुनने में मस्त हो गया, ये सोचे बगैर कि आज उसने अपने माँ के दिल को चोट पहुँचाई है और वो भी बहुत गहरी। तभी शिखर के आने की आहट उसे हुई। उन्होंने इशारे से अपने बेटे राहुल को कहा, ईयरफोन निकालो। राहुल समझ गया कि पापा कुछ खास कहना चाहते हैं। शिखर ने उसके हाथों में काले रंग की डायरी थमाई और कहा, जब गानों और दोस्तों से फुर्सत मिल जाए तो ये डायरी के कुछ पन्ने ज़रूर पढ़ लेना। राहुल ने डायरी पहली बार देखी, उसने अपना फ़ोन किनारे रखते हुए डायरी के पन्ने खोले और जिसमें लिखा था, शिखर और अनु की ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लाने वाले मेहमान का स्वागत है। ऐसा पढ़कर राहुल को डायरी के पन्ने आगे पढ़ने की उत्सुकता बढ़ गई, क्योंकि वो समझ गया कि डायरी में ज़रूर उससे जुड़ी हुई कुछ बातें होंगी। अगला पन्ना खोलते ही उसने पढ़ा, आज मैं और अनु बहुत खुश हैं, आज हमें पता चला कि हमारे घर एक प्यारा सा मेहमान आने वाला है। हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे कि हम हमारे बच्चे का ध्यान रखें और उसे जीवन की सारी खुशियाँ दें। उसके बाद उसने पढ़ा कि आज अनु का 7वां महीना है, हम उसे सोनोग्राफी के लिए पास लेकर गए, हमने पहली बार हमारे बच्चे की धड़कनें सुनी, बहुत अच्छा लग रहा है। आगे लिखा था कि बस अब कुछ ही दिन बाकी हैं, अब हमारे घर जल्दी से एक प्यारा सा बच्चा आ जाएगा। आज अनु को देखकर लगता है क्या ये वही अनु है जो दौड़ दौड़ कर मुंबई की ट्रेन पकड़ती थी, लेकिन आज हर कदम बड़े आराम से उठाती है कि उसके अंदर पल रहे बच्चे को चोट न लग जाए। अनु जो हमेशा से फिगर कॉन्शियस थी, लेकिन आज वजन बढ़ने पर भी चिंता नहीं करती, उसे बस एक स्वस्थ बच्चे की चाह है। अनु जिसे जासूसी, डरावनी और थ्रिलर वाली पिक्चरें पसंद थी, आज वो सब किताबें नहीं पढ़ती, बल्कि ऐसी किताबें पढ़ती है जो बच्चे की परवरिश में हमें हेल्प कर सके। मैं तो शायद उस दिन पिता बनूंगा जिस दिन मेरा बच्चा मेरे हाथों में होगा, लेकिन अन्नू तो तभी माँ बन गई थी जब उसे पता चला था कि उसके भीतर हमारा अंश पल रहा है। मेरी अन्नू, डायरी के पन्ने पढ़ते जा रहा था राहुल और महसूस कर रहा था वो सब समय जो उसके माता पिता ने महसूस किए थे उसके आने के समय, और बहुत इमोशनल हो रहा था। बस अब उस डायरी के कुछ पन्ने ही बाकी थे, उसे उत्सुकता थी कि आखिरी के पन्नों में आखिर क्या लिखा होगा। उसने आगे के पन्ने पलटे और पढ़ा, आज अनु को तेज दर्द हो रहा था, मैं डर गया, लेकिन अनु ने कहा, डरो मत, जल्दी से डॉक्टर के पास चलो। हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा, अभी तो समय है, कुछ समय के बाद देखते हैं। मैं घबरा गया, मैंने कहा, अरे डॉक्टर आप ये क्या कह रहे हैं,
अनु को देखिए, इतना तेज दर्द है, शायद ये लेबर पेन होगा, आप इसे अभी एडमिट कर लीजिए, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा था। नहीं, ये लेबर पेन नहीं, आप नहीं जानते कि एक माँ जब एक बच्चे को जन्म देती है तो इतना दर्द होता है, और ये दर्द सहने की क्षमता सिर्फ एक स्त्री में होती है। ऐसे दर्द के बारे में सुनकर तो मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मैं तुरंत अनु के पास गया और उससे कहा, अनु क्यों इतना दर्द बर्दाश्त कर रही हो तुम? तुम सिजेरियन डिलीवरी क्यों नहीं करवा लेती? अनु ने कहा, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? मैं अब अनु नहीं हूँ, तुम्हारी पत्नी ही नहीं बल्कि एक माँ भी हूँ, और अपने बच्चे के लिए मैं कोई भी दर्द सहन कर सकती हूँ। कुछ घंटों के बाद अनु को लेबर रूम में ले जाया गया। मैं बस उसकी चीखें सुन रहा था, महसूस कर रहा था दर्द, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा था, बस तुम्हारे रोने की आवाज़ सुनाई दी और मैं एक पिता बन गया। 15 मिनट के बाद मुझे उससे मिलने की इजाज़त मिली, तो मैंने उससे पूछा, कैसी है मेरी अनु? मुस्कुरा कर बोली, मैं ठीक हूँ, लेकिन हमारा बच्चा कैसा है शिखर? उस दिन मैं हर एक माँ के सामने नतमस्तक हो गया जो एक बच्चे को जन्म देने के लिए इतना दर्द सहती है। मैं तो सर्दी खांसी में परेशान हो जाता हूँ, पर मेरी अनु कितना कुछ सह गई। हाँ, क्योंकि अब वो एक माँ बन गई। राहुल ये सारी बातें पढ़कर फूट फूट कर रोने लगा, डायरी को सीने से लगा ली, खुद पर नाराज़गी जाहिर करने लगा। बस दौड़ कर रसोई में गया जहाँ उसकी माँ उसके लिए हल्दी वाला दूध बना रही थी। जाकर जोर से गले से लगा लिया उसने अपनी माँ को और अपनी माँ से कहा, माँ मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं तो छोटे से दर्द से ही परेशान होकर तुम पर क्या नहीं कह गया, पर तुमने मुझे दुनिया में लाने के लिए क्या कुछ नहीं सहन किया। मम्मा यू आर रियली ग्रेट।